a sinusoidal voltage, that means AC voltage, V equal to 100 sin 500 t is applied across a pure inductor of L equal to 0.02 Henry. The current through the coil is, जो L के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहती है, या करंट बोलो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे. जो VL होती है वोल्टेज अक्रॉस L, दैट इज 90 डिग्री लीडिंग द करंट. वोल्टेज करंट को लीड करेगी कितने एंगल से, 90 डिग्री से. अब अगर वोल्टेज हमें पता है तो करंट का हम फेज बता सकते हैं. वोल्टेज का फेज है 500t, तो करंट का क्या हो जाएगा, -90. 500t -90, सो करंट की इक्वेशन होगी I इक्वल टू I नोट, या I नोट हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फेज हो जाएगा 500t, दैट मींस ओमेगा t -90. इसी से ऑप्शन आ जाएंगे. देखो यहां तो 10 10 10 ही है, बट साइन है, कोस है, प्लस है कि माइनस है, बस ये चेक करना, तो फेज से आंसर आ जाएगा हमारा. आई नोट साइन, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन पाई बाय टू माइनस 500 t, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, सो माइनस आई नोट कोस 500 t. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये वाला. आई नोट भी कैलकुलेट कर देते हैं. आई नोट किसके इक्वल, वी नोट अपॉन एक्स एल, इंडक्टर है तो उसका रिएक्टेंस. वी नोट किसके इक्वल, 100, और एक्स एल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ये 100, ओमेगा 500, और इंडक्टेंस है 0.02. डेसिमल रिमूव करेंगे, सो यहां से 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा, उससे दो जीरो कैंसिल आउट, सो 100 अपॉन 5 इंटू 2, ये 10, तो करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा 10 एम्पियर, वही लिखा हुआ है हर जगह 10 10. ये तो एक तरीका. दूसरा तरीका भी है, वोल्टेज जो हमने एसी सोर्स की अप्लाई की वो किसके इक्वल होगी, एल डी आई अपॉन डी टी. ये भी आप कर सकते हैं, एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, और वी क्या है, 100 साइन 500 t. तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, डी आई को लिख सकते हैं 100 अपॉन एल साइन 500 t इंटू डी टी. इंटीग्रेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा. 100 बाई एल आउटसाइड कॉन्स्टेंट है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस, तो इसीलिए ऑप्शन है ये वाला करेक्ट, माइनस कोस में आएगा, और माइनस कोस 500 t अपॉन 500, तो यही बात आ जाएगी, 100 अपॉन 500 इंटू एल, कोई भी अप्लाई कर सकते.